वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आपके पार्टनर को आपसे लव क्यों हुआ, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या था, आपके पर्सन और आप लोग के बीच जब एक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई तो इसका रीजन क्या रहा, ठीक है। लेट्स सी, कलेक्टिव फीलिंग होगी, टाइमलेस फीलिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती हो नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती होती है, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से, उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वहाँ पे शॉर्ट टॉपिक, शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं, तो आप उनको जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल टॉपिक्स हैं, आपको शॉर्ट टाइम में क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, शॉर्ट रीडिंग्स हैं। ओके, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आपके पार्टनर को आपसे लव क्यों हुआ, ठीक है, आपके पर्सन को आप क्यों पसंद आए, इसके पीछे रीजन क्या था, और देखेंगे अब आपके पर्सन क्या सोचते हैं, ठीक है। आपको, आपके और आपके पर्सन के बीच केमिस्ट्री क्यों स्टार्ट हुई थी, रीजन क्या था। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, जो आपके पर्सन माइंड में है, जो इस पर्सन को लेकर आप सोच रहे हैं, उस पर्सन को आपसे लव क्यों हुआ। सेवन ऑफ कप्स, इस पर्सन की लाइफ में बहुत सी चॉइसेस थी, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए तो इस पर्सन की जिंदगी में बहुत सारी चॉइसेस थी, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, सिर्फ आप नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत ज्यादा चॉइसेस रही हैं इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। लव को लेकर, इस पर्सन की जिंदगी में लव को लेकर ऑप्शंस रहे, ऑप्शंस क्रिएट हुए हुए थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस थे, लेकिन ये पर्सन एक जैसे कि इमोशनल इंसान, एक ट्रू लव, ठीक है, एक ट्रू लव की ख्वाहिश थी इस पर्सन को, ट्रू लव ये पर्सन चाह रहा था अपनी लव लाइफ में, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई करेंगे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स, यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर किसी इमोशनल लॉस, किसी अपनी लाइफ में, आपके आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस बहुत ज्यादा रही हैं, लव लाइफ को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर, लव ऑप्शंस को लेकर, ये पर्सन लेकिन एक होपलेस था, मतलब किसको, इसने अपनी जिंदगी में एक होता है कि इमोशनल साइड महसूस नहीं की किसी के साथ, एक इमोशनल टच फील नहीं करा आपके पर्सन की फीलिंग्स में, एक जैसे कि ये पर्सन लव को लेकर होपलेस हो चुका था, चॉइसेस जब भी बहुत थी, जब आप मिले, ठीक है, इस पर्सन को, लेकिन आप लोग की जो केमिस्ट्री बनी या तो आप लोग की जो एक साइकिल चली, वो इमोशनल होने की वजह से आप एक इमोशनल पर्सन रहे, ठीक है। इस पर्सन को ये बात समझ में आ चुकी थी जब आप इस पर्सन को मिले हैं, इसकी ज़िंदगी में बहुत से लोग थे, बहुत सी चॉइसेस थी, और बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ों में भी स्ट्रक था अपनी, जैसे कि कैरियर वर्क, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पीपल्स, बहुत ज़्यादा जैसे कि इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा एक टफ आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में फ़ाइट कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें थी जो आपके पर्सन को बैलेंस करनी थी, जो बहुत सी डिफ़िकल्टीज थी जिससे आपके पार्टनर को बाहर निकलना था, ठीक है, प्रॉब्लम भी बहुत थी, लेकिन आपके पर्सन इमोशनली होपलेस हो चुके थे अपने अपनी ज़िंदगी में, अपने इमोशंस को लेकर, मदर का वो केयर या तो वो टच नहीं मिला, ठीक है। एक होता है ना मदर केयर, जो एक मदर केयर करती है अपने चाइल्ड की, एक प्रोटेक्शन और एक पैम्पर करना, एक अंडरस्टैंड करना, ठीक है, ज़िंदगी में देखें मनी ना हो तो लाइफ चल जाती है, लेकिन इमोशंस ना हो तो ख़ास तौर पर एक मेल या फीमेल एक मतलब के डैमेज हो जाता है, ठीक है, एक इमोशनली एक इंसान के अंदर एक डैमेज आ जाता है, एक जब वो डैमेज होता है तो फिर वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। आपके पार्टनर ने या तो अपना कोई रिलेशनशिप खोया था, या मदर को खोया था, या इमोशंस आपके पार्टनर को अपनी फैमिली से मिले नहीं, ठीक है, या किसी एक लवर से नहीं मिले, ठीक है, आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। ये पर्सन एक बैलेंस इमोशनल पर्सन चाह रहा था, ठीक है, एक इमोशनल बैलेंस इंसान चाह रहा था, या बैलेंस एक अपने इमोशंस को लेकर किसी इंसान के साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा था, ठीक है। लेकिन इस पर्सन की लाइफ में जब आप आए हैं तो आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सी चीजें रही हैं आपके पार्टनर को, जैसे सही से या तो आपके पार्टनर को मौका नहीं मिला आपको आपको अप्रिशिएट करने का या आपके साथ बैलेंस करने का, आपके पार्टनर ऑलरेडी बहुत जगह फंसे हुए थे, और इमोशनल लॉस तो था, एक इमोशनली आपके लैक ऑफ इमोशंस, जैसे कि इमोशनली वाउंडेड
नजर आ रहा है ये पर्सन इमोशनली एक वाउंडेड इंसान, ठीक है, जो जिसके इमोशंस को वो पीस, वो सुकून ना मिला हो, ठीक है। आप लोग के बीच कोई ये साइकिल, सोलमेट साइकिल हो सकती है, ठीक है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड, या पास्ट लाइफ आपने, जैसे कि एक वो इंसान जो पास्ट लाइफ से कनेक्ट हुआ हो, आप आपके और आपके पर्सन के बीच कोई पास्ट लाइफ हिस्ट्री रही हो चुकी है, ठीक है, कोई हिस्ट्री, कोई केमिस्ट्री पास्ट लाइफ से चली आ रही है, उस चीज को आपने उस चीज को आपने कैरी ऑन किया, ठीक है। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस, ठीक है, आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस पे रह रहे थे, या आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोग की लैंग्वेज में, या आप लोग के कास्ट कल्चर रिलीजियस में, या तो आप लोग एक दूसरे से बहुत ऑपोजिट हो सकते हैं, या एज डिफरेंस हो सकता है, या एक इंसान बहुत ज़्यादा जैसे कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और एक इंसान इतना इतना कंजर्वेटिव माइंड भी नहीं है उसका, वो इतना रिलीजियस भी नहीं है, कुछ इस तरीके का माइंडसेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग के बीच एक साइकिल स्टार्ट हुई, आपके पार्टनर ने इमोशनली कुछ मैनिफेस्ट किया था, जब आपके पर्सन एक वोंडेड और एक डिस्टेंस की एनर्जी में गए किसी के साथ, अपनी मदर के साथ, या तो किसी लवर के साथ, कोई पास्ट कनेक्शन के साथ, अगर आपके पर्सन ने कोई बैक स्टेपिंग और इमोशनल लॉस जो आपके पार्टनर ने देखा, जैसे कि होता है ना, इंसान एक बैठा हुआ होता है और एक कुछ मैनिफेस्ट करता है, मेरा पार्टनर या मेरी लाइफ में अब ऐसा इंसान आए, ठीक है, वो एक मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर की कम ट्रू हुई थी, जो साइकिल स्टार्ट हुई थी कोई पास्ट लाइफ से कनेक्टेड साइकिल थी, आप लोग का मिलना जैसे कि डेस्टाइन था, डेस्टिनी में आप लोग को मिलना था एक साथ, ठीक है, डेस्टाइन कनेक्शन, एक डेस्टिनी, यहाँ पर डेस्टिनी का रोल रहा, लेकिन बहुत ब्लॉकिंग वाली साइकिल रही है, ब्लॉकेजेस लेकर आई है, ठीक है। आपके पर्सन ने साइकिल तो स्टार्ट कर ली थी, लेकिन इस साइकिल में आपके पर्सन बहुत ब्लॉक, मेंटल स्टकनेस, मेंटल ब्लॉकेजेस में रहे हैं, मेंटली मेंटली फ्री नहीं रहे ये पर्सन, मेंटली किसी ब्लॉकेजेस, या तो रिलीजियस ब्लॉकेजेस, या तो आप दोनों के बीच कोई डिफरेंसेस थे इस चीज को लेकर, ब्लॉकेजेस ये पर्सन फील करता रहा, या कभी भी फ्री फील नहीं करा, या कभी भी वैसा इन्वेस्ट नहीं करा, या कभी बैलेंस नहीं करा, चाहे ये रिलेशनशिप या जो भी था आप लोगों का रिलेशनशिप बना, फ्रेंडशिप बना, लेकिन आपके पर्सन का फोकस अपनी लाइफ में, अपने काम या कैरियर, अपनी लाइफ की तरफ भी रहा, प्रायोरिटी आप नहीं बने इस पर्सन की, ठीक है। इस पर्सन को जो अटैच और अट्रैक्ट करा, सबसे पहले तो डेस्टिनी का रोल था, आप लोग को इस टाइम और इस जो आप लोग का टाइम फ्रेम सेट था, आप लोग को इस टाइम मिलना था, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना था, और कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना था, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर आप लोगों को आगे जाना था, ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन आप लोग की यहाँ पर हो रही थी। डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल रहा, ठीक है। आप लोग का, आपके पर्सन को क्या पसंद आया, आपके पर्सन को आपका काइंड, एक जेनरस नेचर, ठीक है, काइंड एनर्जी, आपका आपको जो एक ग्रेस, एक ग्रेसफुल नेचर, ठीक है, आपके पर्सन को आपका वो पसंद आया, ठीक है। एक होता है ना इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, आपके अंदर एक इमोशनली अंडरस्टैंड करने की पावर, ठीक है, आपने इमोशनली अंडरस्टैंड करा इस इंसान को, वो चीज इसको पसंद आई, लेकिन आप कहें लव हुआ था तो नहीं, ये पर्सन लव जब होता है, जब इंसान को लव की नीड होती है या सारी प्रॉब्लम से वो इंसान फ्री होता है, आपके पार्टनर ऑलरेडी कहीं ना कहीं उलझे हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग के बीच कोई ना कोई पास्ट कार्मिक बॉन्ड आप लोग को एक दूसरे के करीब तो लेकर आया, लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेजेस नजर आ रही है, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर मेंटल केज या मेंटल ब्लॉकेजेस में ही रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, या तो कोई रिलीजन डिफरेंसेस की वजह से मेंटल ब्लॉकेजेस रही है आपके और आपके बीच, आपके पार्टनर के बीच एक डिस्टेंस बार बार क्रिएट होता रहा है, या तो आप लोग एक सिटी में भी रहकर डिस्टेंस पे रहे हैं, ठीक है, वो बैलेंस, वो सपोर्ट एक दूसरे को प्रोवाइड नहीं कर पाए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर किसी तरीके के डिफरेंसेस ने आप लोग के बीच सेपरेशन करा के रखा, ठीक है, आप लोग का रिलेशनशिप बना तो सेपरेशन रही, आप लोग की फ्रेंडशिप रही तो सेपरेशन रही, आप लोग एक सेपरेशन में रहे, ठीक है। इमोशनल लॉस, यहाँ पे ये पर्सन इमोशनल लॉस में था, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ये इमोशनली बहुत ज्यादा अपसेट, बहुत ज्यादा डाउन, बहुत ज्यादा होपलेस, ठीक है, इसको कहीं इमोशंस मिलेंगे। इस पर्सन को जब तक ये पर्सन आपसे मिला है, इसने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपनी जिंदगी में कर लिए थे, ठीक है, रिलेशनशिप को भी लेकर हो सकता है, एक फ्रॉड चीट, और जैसे कि अपनी जिंदगी में वैसे फील करना जैसे काम और कैरियर के हिसाब से इसको कोई, इसका कोई लॉस हुआ था बहुत बड़ा, कोई इसकी लाइफ से गया था, या तो ठीक है किसी लॉस में था ये पर्सन, किसी इमोशनल लॉस को कैरी कर रहा था जब आप इस पर्सन को मिले हैं, लेकिन आप लोग का मिलना एक डेस्टाइन था, आपको इस पर्सन को, आपने इस पर्सन को हील करा इमोशनली, आप लोग के बीच जो कनेक्शन बना या केमिस्ट्री बनी वो इमोशनल केमिस्ट्री या इमोशनल बॉन्ड बना, ठीक है। ओके, इस पर्सन को मैं लव नजर नहीं आ रहा,
आप लोग का कोई कर्मा बैलेंस होना था, ये साइकिल इसलिए स्टार्ट हुई थी, कोई कार्मिक सिचुएशन यहाँ पर अटैच रही है, ठीक है, कोई कार्मिक सिचुएशन, कोई कर्मा बैलेंस होना था इस टाइम फ्रेम पे, इस जगह आप लोग को मिलना, जैसे कि डेस्टाइन था, डेस्टिनी में था ये कनेक्शन, ये आता ही आता आपकी लाइफ में, आपका कोई कर्मा कनेक्टेड था इस रिश्ते से, ठीक है, और आपके पर्सन का भी कोई कर्मा कनेक्टेड था। आपके पर्सन को आपसे लव क्यों हुआ, अगर आपके पार्टनर के अंदर फीलिंग्स है तो क्यों, ठीक है, हैं भाई। सबसे पहले तो ये पर्सन काफी ब्लंट, कोल्ड, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, काफी जैसे कि एक्सपीरियंस, ये किंग इतना कोल्ड और इतना ब्लंट या इतना कट थ्रोट तब होता है जब इसको एक्सपीरियंस इसके नेगेटिव रहते हैं, आपके पार्टनर के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नेगेटिव रहे हैं और आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा एक अकेले जर्नी बहुत ज़्यादा तय करी है, बहुत अपनी लाइफ का हिस्सा एक अकेले ही गुजारा है, इमोशनल लॉस में गुजारा है। लव लाइफ को लेकर तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे कि एक आपके पर्सन लव लाइफ को लेकर काफ़ी मेंटल स्टकनेस, मेंटल ब्लॉकेज में रहे, जिस भी रिश्ते में गए वो रिश्ता बन नहीं पाया, निभ नहीं पाया, या तो वो चल नहीं पाया, या तो जैसे कि बहुत ज़्यादा बैड आपके पर्सन को लक बैड लक आपके पार्टनर को फील हुआ है अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है, सामने से आपके पर्सन को लॉयल और लॉयलिटी या ऑनेस्टी नहीं मिली, ये कोल्ड एनर्जी आपके पार्टनर के किसी किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से हुई है, ठीक है, आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस करा। जब आप इस पर्सन से मिले हैं तो आपके पार्टनर कुछ टाइम में ही ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पे चला गया, या आप लोगों के बीच सेपरेशन आ गया, या आपके पर्सन अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बिजी हो गए, आप अपने पर्सन की प्रायोरिटी कभी भी नहीं बने, ठीक है, मैं इतना बता दूं। हाँ, आपको आपके पार्टनर को आपसे इमोशनल अटैचमेंट रही, या इमोशनली, या आपके पर्सन को आपके ऊपर जैसे कि एक आपका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा आपके पार्टनर शुरू से स्टार्टिंग से लाइक करते आए, ठीक है, आपका जेनरस, आपका काइंड नेचर, आपका बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नेचर, आपका इमोशनली अंडरस्टैंड कर जाना बिना कुछ कहे, वो चीज़ आपके पर्सन स्टार्टिंग से लाइक करते हुए आए आपकी, ठीक है, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्लारिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्लारिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, आप काफी अट्रैक्टिव पैशनेटिव क्वीन की तरह रहे हैं, इस पर्सन का आपके साथ कनेक्ट होना, कोई आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ चेंज आया सबसे पहले तो, ठीक है, जो चेंज आया वो बहुत ज्यादा लक के हवाले से, बहुत गुड लक, आपका कनेक्ट होना आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर की के लिए, लक के लिए, लाइफ के लिए बहुत गुड लक साबित हुआ, ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन ने आपके साथ कनेक्ट होके बहुत ज्यादा एक अपने आप को एक अच्छी जगह फील करा, आपके पर्सन का कैरियर अच्छा हो गया, या फाइनेंसेस अच्छे हो गए, आपके पर्सन की लाइफ में खुशियां आने लगी, आपके पार्टनर सेटिस्फाई फील करने पर लगे, लेकिन आपके पार्टनर स्टक रहे हैं, आपको देना क्या है ये पर्सन ने कभी भी जैसे कि डिसाइड नहीं करा, स्टक ही रहा है, आपको देना क्या है, किंग ऑफ फैंस, ये पर्सन काफी अट्रैक्टिव रहा है इसलिए स्टक रहा है, ठीक है, ये आपको आसानी से रिलीज भी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि आप एक गुड लक लेकर आए, ठीक है, आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी, आपकी गुड लुकिंग, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी चार्मिंग है, एक तो एक काइंड हार्टेड पर्सन, एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन जो इमोशंस को, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, जो इमोशंस को बिना कहे अंडरस्टैंड करे, ऐसी पर्सनैलिटी, आपके पर्सन आपको रिलीज नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर हार्ट ब्रोकन थे इमोशनली, आपके पार्टनर को ट्रस्ट करने से डर लगता रहा है, ठीक है, स्टक रहे, कोई में डिसीजन नहीं लेते आए, कोई मिक्स सिग्नल्स आपको देखने को मिले होंगे, आपके पर्सन का कभी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना आपने, कभी बहुत ज्यादा आपके साथ जैसे कि कनेक्टेड और इंटरेस्टेड आपने अपने पार्टनर को अपने अंदर देखा, काफी इंटरेस्ट इस पर्सन का रहा, बनता रहा आपके अंदर, ठीक है, इसी वजह से था, लेकिन आपके पर्सन को इमोशनली ओपन अप होना, इमोशनली कनेक्ट होना आपके पार्टनर को काफी डिफिकल्ट लगता रहा, आपके पर्सन स्ट्रेस में थे, ठीक है, जैसे कि मैं कह रही हूँ ना, ऑलरेडी ये पर्सन अपनी फैमिली का प्रोवाइडर रहा है, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, इस पर्सन के पास लव की जगह नहीं थी, जब आप आए रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये पर्सन ऑलरेडी जैसे कि बहुत ज्यादा बर्डन कैरी कर रहा था, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज्यादा इससे ज्यादा इसको स्ट्रेस बेयर नहीं करा जाता, ये बर्डन कैरी कर रहा था, इसलिए आपको क्या देना है क्या नहीं देना है इस चीज को लेकर कश्मकश और स्ट्रकनेस में ही रहा, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, आपके नेचर से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपकी काइंडनेस, आपका ऑल ओवर इस पर्सन ने आपको एक अच्छा इंसान पाया अपनी लाइफ में, जो भी इसने अपनी जिंदगी में इंसानों को एक्सपीरियंस किया था, आप वो एक बेहतर पर्सनैलिटी बनकर इसकी इसकी लाइफ में आए थे, लेकिन इसको इमोशनली ट्रस्ट इश्यूज वो कायम रहे, ठीक है, वो आपके ऊपर भी नहीं कर सका, ओपन अप नहीं हो सका, या अपने ट्रस्ट इश्यूज को आप, हाँ,
एज अ गुड वाइब्रेशन, आपके साथ गुड वाइब्रेशन फील करना, एज अ गुड पार्टनर, एज अ गुड एक्सपीरियंस, उसकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस किसी पर्सन के साथ हुआ तो वो आपके साथ हुआ, ठीक है? मतलब कि कोई ऐसा इंसान मिला तो बहुत अच्छा, जिसको कहे ये पर्सन सारी जिंदगी के लिए एक छाप छोड़ जाना, ठीक है? एक वो पर्सनैलिटी की तरह आप इस पर्सन की लाइफ में है, ठीक है? मतलब कि इसको चाहिए क्या था वो पता ही नहीं था। बताएं, जिसकी जो इंसान जिसके पेट में रोटी ना हो, या जो इंसान ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम या अपने अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां लेकर चल रहा हो, उसको क्या लव का मजा आएगा, या वो क्या लव और रिलेशनशिप में जाएगा? और आप ऐसे इंसान जो लॉन्ग टर्म, मतलब कि लॉन्ग टर्म चाहे जो जो एक मैरिज कमिटमेंट वाला इंसान हो, तो इस पर्सन आपको समझ रहा था, ठीक है? क्लैरिफाई काइंड ऑफ सेंस, किस तरीके का बर्डन ये पर्सन कैरी कर रहा था? लच्छी, आपके पर्सन किस तरीके का बर्डन कैरी कर रहे थे, ये किस तरीके का स्ट्रेस आपके पर्सन कैरी कर रहे थे? भाई आपके पर्सन बहुत ज्यादा टेंशन में थे, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं। अगर आपके पार्टनर ने पास में आपके साथ कुछ किया है तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस, कंफ्लिक्टेड माइंडसेट था आपके पर्सन के पास। कैरियर नहीं था, काम नहीं था, जॉब नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, सब कुछ करना आपके पार्टनर ने था, डिस्टेंस था आप दोनों के बीच। ये पर्सन डिस्टेंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस बना रहा आप दोनों के बीच, एक स्ट्रेस रहा आपके पर्सन, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग पुअर हो सकती है, ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचकर डर जाना, ठीक है? कि मतलब कि अभी अपना ही पूरा नहीं हो रहा, अभी एक एक ऐसा हो सकता है ये पर्सन जैसे कि सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है, जैसे कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फैमिली की, सब कुछ की, एक फाइनेंशियल कोई आपके पार्टनर की लाइफ का इशू या कोई प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा फैमिली, कोई फैमिली स्ट्रगल, कोई फैमिली ड्रामा इस पर्सन की लाइफ में रहा है, ठीक है? फैमिली इशूज बहुत ज्यादा इसकी लाइफ, पर्सन की फैमिली, आप लोग की मुझे लव लाइफ स्टक नजर आ रही है, अट्रैक्शन बनी, मिक्स सिग्नल्स बने आप लोग के बीच, आपके पार्टनर को फील हुआ कि आप एक गुड लक की तरह आए, आपके पार्टनर को ये फील हुआ कि आपके आने के बाद लाइफ बहुत चेंज हुई है, लेकिन आपके पार्टनर को क्या देना है आपको कभी डिसाइड नहीं कर पाए, ठीक है? पास्ट में मुझे अट्रैक्शन नजर आ रही है, अगर आप बोलेंगे लव तो नहीं, ठीक है? लव नहीं, ठीक है? लव के लिए टाइम देना होता है, लव के लिए एक प्रायोरिटी बनानी होती है इंसान को, ठीक है? तो आपके पार्टनर ने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं बनाया, सब कुछ छोड़ के आपको चूज नहीं किया, हमेशा दूसरी चीजों को चूज किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज किया, अपनी फैमिली को चूज किया, अपने अपने कैरियर को चूज किया, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को चूज किया, ना कि आपको चूज किया, ठीक है? तो अगर बोलेंगे तो फीलिंग्स, तो फीलिंग्स मुझे नहीं। अब राइट नाउ देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, देखते हैं सोच आएगी या फीलिंग्स आएंगी, लेट्स सी, देखते हैं क्या हैवी एनर्जी है इस पर्सन के ऊपर, ये पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर राइट नाउ क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर क्या चलता है। ओके, द फूल, एक न्यू रिस्क टेकिंग, ठीक है? ये पर्सन आप सब किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाहता है, अगर आप इस कनेक्शन में नहीं है तो ये पर्सन वापस आपको अपनी लाइफ पे लेकर आना चाहता है, द व्हील की एनर्जी है। अगर आप लोग के बीच डिस्टेंस आ चुका है, आप लोग के बीच एक मतलब कि आप डिस्टेंस पे जा चुके हैं, तो किसी तरीके का स्टार्ट, ठीक है? द फूल, क्लैरिफाई द फूल, यहाँ पे द फूल क्यों आया है, क्लैरिफाई द फूल, ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहता है आप लोग के बीच, बैलेंस, ठीक है? क्लैरिफाई द फूल, यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई द फूल। भाई आप लोग के बीच स्टैग्नेंट एनर्जी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस का माहौल है इस वक्त, आप लोग एक स्ट्रेस डिस्टेंस पे हैं, स्ट्रेस है, स्टैग्नेंट है एनर्जी, क्लैरिफाई द फूल। ओके, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन काफी नर्वस हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग में है, बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करता है ये पर्सन आपको लेकर। ये पर्सन जैसे कि आपको रिजेक्ट कर चुका है, आपको 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 इसने आपको पास में किसी तरीके की रिजेक्शन दी है, आपको काफी कंफ्यूज रखने की वजह से आप थोड़ा सा मतलब कि एक टावर हिट कर चुका है इस रिश्ते को, रिश्ता बिखर चुका है, खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर कोई एंडिंग आ चुकी है, एक खत्म हो चुका है। ये पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाहता है, ठीक है? किसी तरीके की मूवमेंट करना चाहता है, ठीक है? ओवर थिंकिंग को खत्म करना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है? ये आपको एडमायर कर रहा है, आपके पर्सन राइट नाउ इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, कंफ्यूज है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये जगल कर रहा है दो रास्तों में, इसको नहीं पता इसको करना क्या चाहिए, ठीक है? ज्यादा मतलब कि ये पर्सन थोड़ा सा एक कंफ्यूज स्टेट से गुजर रहा है, कंफ्यूज एनर्जी से गुजर रहा है, ये क्लियर कट जानना चाहता है इस पर्सन को इस रिश्ते में क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है? आप लोग के बीच सिचुएशन एंड हो चुकी है, आप लोग के बीच एंडिंग हो चुकी है, किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, थोड़ा सा ये नर्वस है, ये जैसे कि इसको रिजेक्ट होने का डर है आपसे, क्योंकि ये पास में आपको रिजेक्ट कर चुका है, ठीक है?
क्योंकि ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है कि आप इसको रिजेक्ट ना कर दें, अगर ये आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन ले, कोई मूवमेंट करे, आप इसको जैसे कि एक्सेप्ट करने से डिनाई ना कर दें, ठीक है। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, आपके पार्टनर के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टॉकिंग एनर्जी है, स्ट्रांगली स्टॉकिंग चल रही है, हर्मिट एनर्जी है, बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन आप एक क्लियर कट, एक मतलब कि ट्रांसपेरेंट सी, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग करना, क्लियर कट क्लैरिटी पे आना, ठीक है। यहाँ पर इल्यूजन से बाहर निकलना, आपके पर्सन यहाँ पे इल्यूजन को कट ऑफ करना चाह रहे हैं, छोड़कर गया था ये पर्सन आपको, ठीक है। डिटैचमेंट है, स्टेबिलिटी, ये पर्सन आप स्टेबिलिटी का सोच रहा है आपको लेकर, आप कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। आपका स्टेबिलिटी को लेकर कोई इशू, कोई आप लोग के बीच ऐसी बात जरूर हुई है जो डिस्टेंस कर रही है, ठीक है। साइलेंट है ये पर्सन, छोड़कर गया, इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर कोई स्टेबल कमिटमेंट ऑफर, ठीक है, आपको कुछ स्टेबल ऑफर देना चाह रहा है ये पर्सन, क्योंकि मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत है, 8-8 की एनर्जी है, ठीक है। कोई चीज आपसे हाइड कर रहा था, कोई चीज आपसे छुपा रहा था, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है, ये पर्सन। वेट, करना क्या चाह रहा है इस रिश्ते में अभी, ये वही स्टैग्नेंट एनर्जी है इस रिश्ते की, ठीक है, स्टैग्नेंट एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर ये रिश्ता डिमांड कर रहा है एक एक न्यू, ब्रांड न्यू बिगनिंग, ठीक है। अगर यहाँ पर ये पर्सन आए तो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, पास वाली चीजें वापस नहीं, ठीक है। ये आपके पास स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, किसी मैसेज या टेक्स्ट को लेकर आना चाह रहा है, ठीक है। कोई आपको मैसेज करना चाह रहा है, ठीक है, आपको कॉन्टेक्ट में आना चाह रहा है आपके साथ वापस ये पर्सन, बिल्कुल। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में जैसे कि मूवमेंट नजर आ रही है, ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहा है, कोई इमोशनल मैसेज, कोई अपॉलॉजी आपको इस पर्सन से मिल सकती है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको लेकर पैशन होल्ड बैक कर रहा है, पैशनेटिव एनर्जी में है, ठीक है, पैशनेटिव एनर्जी में ये पर्सन भाई। यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी है कि आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड देना, आपके लिए कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन अगर क्रॉस, ये क्रॉस एनर्जी में रहा या तो क्रॉस रोड पे रहा, आपको क्या देना चाहिए उस चीज को लेकर एक क्लैरिटी पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है, ब्रांड न्यू बिगनिंग, कुछ स्टेबल बिगनिंग, ठीक है, बिल्कुल। स्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग चल रही है, आपको आपको स्टेबिलिटी देनी है या नहीं, ठीक है। इस रिश्ते में आपको अब क्या प्रोवाइड करना है, डिसाइड करेगा तभी आएगा। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दोबारा है, द लवर की एनर्जी दोबारा है, किंग ऑफ कप्स, ये आपको लव करता है, ये आपको पसंद करता है, लेकिन बहुत ज्यादा सोचो विचार बहुत ज्यादा है इस रिश्ते में, सोचना समझना बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे सोचो विचार बहुत ज्यादा चल रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत है ये पर्सन। अगर आपको मैरिज मटेरियल नहीं समझ रहा था, इस वक्त बहुत ज्यादा मैरिज मटेरियल समझ रहा है, स्टेबिलिटी, आपके साथ कुछ स्टेबल ग्राउंडेड करना चाहता है, कुछ स्टेबिलिटी पे आना चाहता है, ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है, कुछ सोच रहा है आपको लेकर, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है आपको लेकर, एक पॉजिटिव माइंडसेट में आना, पॉजिटिविटी सोचना, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर को तो सबसे ज्यादा भाई देखिए, मैं आपके पर्सन है या तो एज में बड़े हैं, या तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, या तो ऑलरेडी मैरिज इस पर्सन की हुई भी है, या तो इसका फैमिली प्रेशर है, ठीक है। ये पर्सन कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आपसे कहूँ कि लव, तो लव का तो अब इस पर्सन को आपकी नीड फील होती है, लेकिन पास में आपको एज अ गुड पार्टनर, ठीक है, एज अ गुड पर्सनैलिटी, इसके लिए बहुत ज्यादा ऐसे आप इमोशनल रहे हैं। देखती हूँ ये आपको अगर वन वर्ड टू वर्ड मैसेजेस में से अगर ये कुछ आपको कहना चाहे, क्या कहना चाहेंगे, लच्छी देखें आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहेंगे, अगर अभी कुछ कहना चाह रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन ब्रेक है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये पर्सन सडन आपको अनएक्सपेक्टेड कोई मैरिज ऑफर, कमिटमेंट ऑफर दे दे, ठीक है। ओके, नो कॉन्टेक्ट, नो सिचुएशन, यहाँ पर ऐसी आप लोग बात नहीं कर रहे इस वक्त, राइट नाउ। वन और टू मैसेजेस और फिर ओके, टू मैसेजेस, ठीक है, कम बैक प्लीज, ये पर्सन आपको वापस चाहता है अपनी लव, अपनी लाइफ में। वेट, कम बैक प्लीज, ये पर्सन आपको वापस चाहता है, विश फुलफिलमेंट, आपकी ये पर्सन विश रहा है स्टार्टिंग से, ये पर्सन ये बात जानता आया है, ठीक है, आप इस पर्सन को अपनी विश समझते आए हैं, ठीक है। यहाँ पे ओके, यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं,
मुझे नहीं लग रहा आप लोग के बीच कभी कोई रिलेशनशिप बना है, फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड ही रहे आपके पर्सन अपनी अपनी लाइफ में रहे, आप लोग के बीच नो कांटेक्ट बहुत रहा है, सेपरेशन बहुत रही है, नो कांटेक्ट बहुत रहा है, नो कांटेक्ट से ही रिश्ता बहुत गुजरा है। फादर फिगर, कोई फादर फिगर इशू हो सकता है यहाँ पर आप लोग के पार्टनर के बीच, यहाँ पे कोई फादर फिगर का यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है बहुत ज्यादा, जो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, फीलिंग लेस, आप इस पर्सन को एक फीलिंग लेस समझते हैं, बहुत टाइम से आप यहाँ पर इस पर्सन के एक्सप्रेशन का या कन्फेशन का वेट कर रहे हैं, इस पर्सन के लव एक्सप्रेशन का वेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच होने वाली है, ठीक है, आपके पार्टनर कम्युनिकेशन को दोबारा आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।